हर साल सरकार अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। लाखों गर्भवती महिलाओं को उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है, मगर जमीनी स्तर पर समस्या कुछ और ही कहती है। आलम यह है कि जर्जर भवन और ANM की कमी से काफी समस्याएं खड़ी हो जाती है। उक्त मामला लखनादौन तहसील के ग्राम गणेशगंज का है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद भी आशा सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं को महीने में होने वाली बैठक में खुली छत के नीचे बैठना पड़ता है, क्योंकि आंगनबाड़ी सहकारिताओं केंद्र एवं पंचायत भवन में तक बैठने नहीं दिया जाता है। और जो स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है वह बहुत दिनों से जर्जर हालत में है तथा बिल्डिंग के सामने कब्जा कर लिया गया है, जिससे वहां पर कोई बैठने की जगह नहीं बची है। ऐसी बहुत सी समस्याओं को लेकर श्रीमती प्रभावत चंद्रवंशी बामनवाड़ा सेक्टर से आशा सहयोगी हूँ, और हमारे यहाँ मंथली दो बैठक आयोजित की जाती है जो गणेशगंज सेक्टर में। तो यहाँ हम दूसरे शनिवार को और चौथे शनिवार को आते हैं। हम बहुत दिनों से यहाँ बैठक व्यवस्था के लिए परेशान हैं, बार बार मना करने पर भी हम लोग यहाँ जवान जी गणेशगंज पे सहायक कार्यकर्ताओं को बैठक व्यवस्था में बड़ी प्रॉब्लम जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? गणेशगंज के जो सब हेल्थ सेंटर का बिल्डिंग है काफ़ी पुराना हो चुका है, DW भी उसको जो है क्षतिग्रस्त घोषित कर चुके हैं कि उसको डिसमेंटल करके नया बिल्डिंग बनाना है। हमारा गणेशगंज में नया PSC प्रस्तावित है, जैसे ही प्रस्ताव आता है तो फिर वहाँ नया बिल्डिंग बनाना, फिर ये सब दिक्कतें नहीं होती। और गणेशगंज पर विगत 1.5 साल से ANM नहीं है, क्योंकि जो ANM थी उसे अटैचमेंट में दूसरी जगह किया गया है और वहाँ पर रेगुलर स्थिति में दूसरी ANM है, तो वो रिटर्न क्यों नहीं आ रही है? अभी कल JD ऑफिस में हमारा मीटिंग था तो वहाँ पता चला कि अभी फिर से नई भर्ती हो रही है, जैसे ही नई ANM आती है तो वहाँ के लिए।